आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी में नौकरशाही में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। आपको बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र से लखनऊ वापस लौटे। मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर की अचानक वापसी से कयास इस वक्त तेज हो गए हैं, जहां पर दुर्गा शंकर की अचानक वापसी कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देती दिखाई दे रही है, जहां पर दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के मुख्य सचिव बनेंगे। तो यूपी की नौकरशाही में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। आपको बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र से लखनऊ वापस लौटे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, एक बड़ी हलचल देखने को मिली है, जहां पर दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र से वापस लौटे हैं राज्य में, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनुष्का, आपको बताना चाहूंगा कि अब इस खबर पर मुहर भी लग गई है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बकायदा चिट्ठी के माध्यम से केंद्र सरकार से दुर्गा शंकर मिश्रा को मांगा गया है, और उसमें साफ तौर पर उन्हें रिलीज भी किया गया है उस चिट्ठी में। और उस रिलीज के दौरान ये लिखा हुआ है कि हम दुर्गा शंकर मिश्रा को चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए उत्तर प्रदेश भेजते हैं। इसके पहले दुर्गा शंकर मिश्रा जो अर्बन जो सोसाइटी है उत्तर देश की, रूरल अर्बन डेवलपमेंट, उसमें सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे और सीनियर आईएएस थे। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। और अगर हम देखें उनके काम के बारे में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, चाहे लखनऊ मेट्रो की बात की जाए, कानपुर मेट्रो की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो फ्लाईओवर्स का निर्माण है, जो आवासों का निर्माण है प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत, उन सारा कामों का जो सिलसिला था, कामों की जो जिम्मेदारी थी, वो सिर्फ दुर्गा शंकर मिश्रा के कंधे पर ही थी, और दुर्गा शंकर मिश्रा उसे एक लंबे समय से बेहतर तरीके से करते हुए भी आ रहे थे। अब उनका 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होना था, तो इस बीच ये खबर निकल कर सामने आई कि उन्हें जब उनके रिटायरमेंट से पहले किसी उच्च पद के लिए प्रमोट किया जा सकता है, और कोई भी अधिकारी चाहेगा कि जब वो रिटायर हो तो वो अपने जिस पद पर काम कर रहा है उससे उच्च पद पर ही रिटायर हुए। 31 दिसंबर उनकी रिटायरमेंट की डेट थी, और ऐसा सुनने में आ रहा था कि दुर्गा शंकर मिश्रा को यूपी का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी बनाने के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए किसी को चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया जा सकता था अनुष्का। तो ऐसे में अब ये भी बात साफ हो गई है कि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक तरफ उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी भी बनाया जा रहा है, और दूसरी चीज ये है कि उन्हें अब रिटायरमेंट के बाद जो उनका एक्सटेंशन है वो भी बढ़ाया जाएगा, और आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उस चुनावों के तहत भी कहीं ना कहीं कुछ रणनीति बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और इसी वजह से दुर्गा शंकर मिश्रा को चीफ सेक्रेटरी के लिए उत्तर प्रदेश बुलाया गया है, उनका एक्सटेंशन भी किया गया है। जी नितिन, किस प्रकार से देखते हैं इस बड़े बदलाव को, क्या कुछ कारण है कि इस प्रकार से मुख्य सचिव को अचानक से बदला गया है? देखिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो टीम है वो भी उत्तर प्रदेश में है, और इस दौरान कहीं ना कहीं अधिकारियों को इधर से उधर करना है और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को सही जगहों पर बैठाना भी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार भी जान रही थी कि चीफ सेक्रेटरी को हो सकता है कि चुनाव आयोग हटा दे, तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी को हम पहले ही चेंज कर देते हैं और नया चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में ले आते हैं। इसी को देखते हुए दुर्गा शंकर मिश्रा के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया केंद्र सरकार को कि हमें दुर्गा शंकर मिश्रा को चीफ सेक्रेटरी बनाना है और उन्हें रिलीज किया जाए, और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें रिलीज भी किया गया है। और जो रिलीजिंग ऑर्डर है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया गया है अनुष्का की दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि डीएस मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और जो रूरल डेवलपमेंट है केंद्र सरकार का उसमें वो सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। 31 दिसंबर को उनका रिटायरमेंट था, उसका एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनके बेहतर कामों को देखते हुए उन्हें ये इनाम दिया गया है अनुष्का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है और लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की सरकार के कामों को उन्होंने देश में बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वित करवाया है, चाहे वो फ्लाई ओवर के निर्माण की बात करी जाए या प्रधानमंत्री आवास निर्माण की बात करी जाए, या फिर जितने भी जो मेट्रोज के काम है देश में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो गए, वो कितनी तेजी से हो रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से
उस काम को सही तरीके से जमीन पर उतारा है दुर्गा शंकर मिश्रा ने, और उसी का इनाम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से अब उन्हें दिया जा रहा है कि रिटायरमेंट से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत ही बड़ा प्रदेश अपने में माना जाता है राजनीति के लिहाज से भी और क्षेत्रफल के लिहाज से भी, वहां का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। जी नितिन, अगर बात करें, आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत मिलते दिखाई दे रहे थे, क्या वजह लगती है कि क्या मुख्य जो सचिव इस वक्त है उनके जो भी उनका कार्यकाल है उससे संतुष्ट नहीं थे, क्या कुछ वजह है इसके पीछे निकलकर सामने आई है? देखिए इसमें भी कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक चुनाव भी सामने है, तो ऐसे में कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके उनको इधर से उधर करने के लिए भी जो विपक्ष है वो लगातार सरकार से मांग कर रहा है। चाहे आज हम देखें तो जिस तरह से कांग्रेस ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है और होम सेक्रेटरी को भी बदलने की मांग की है, तो होम सेक्रेटरी के बदलने की मांग हो गई या फिर चीफ सेक्रेटरी के बदलने की मांग हो गई या अन्य अधिकारियों के बदलने की मांग हो गई, ऐसे मांग जो है वो विपक्षियों की तरफ से लगातार करी जा रही है। तो ऐसे में सरकार जान रही है कि अगर हम पहले ही अधिकारियों को इधर से उधर कर दें और अपने जिम्मेदार अधिकारियों को उत्तर प्रदेश ले आए, चुनाव उनकी निगरानी में कराया जाए, तो जाहिर सी बात है उसमें उत्तर प्रदेश को काफी फायदा मिल सकता है। और उसी का ये नजरिया है कि डीएस मिश्रा को उत्तर प्रदेश लाया गया है, उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के पद पर अब डीएस मिश्रा काम करेंगे। और ये भी देखना है मोगा अनुष्का कि आने वाले दिनों में जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको कहां पर क्या केंद्र भेजा जाता है, क्या किया जाता है उनके साथ, या फिर कुछ और जिम्मेदारी उनके कंधे पर रखी जाती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी उनका रिटायरमेंट का समय नहीं आया है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या उनके साथ किया जाएगा, क्या उनको केंद्र भेजा जाएगा या फिर कुछ और रणनीति उनको लेकर बनाई गई है, ये भी देखना अहम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी राजनीतिक हलचल होती दिखाई दे रही है, जहां पर दुर्गा शंकर मिश्रा को यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।